अच्छा, आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है जेक्वेरी एजेक्स के अंदर लोड मोर डेटा। अब देखो ये लोड मोर डेटा का क्या कॉन्सेप्ट है भाई। देखो आपने फेसबुक वगैरह की वेबसाइट पे देखा होगा कि जो आपके पास एक न्यूज फीड का सेक्शन आ रहा होता है, ठीक है, न्यूज फीड के सेक्शन के अंदर आपको कुछ लिमिटेड न्यूज डिस्प्ले हो रही होती है। लेकिन अगर आप नीचे जाते हो थोड़ा स्क्रॉल करके तो नीचे आपको एक बटन मिलता है, ठीक है, और उस बटन का नाम होता है व्यू मोर या लोड मोर, ठीक है। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो क्या होता है, कुछ और न्यूज फीड आ जाती हैं आपके पास, ठीक है। इसका मतलब आपके पास पहले फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूज फीड शो हो रही होती हैं, ठीक है, जब आप अपना पेज रिलोड करते हो, अपने फेसबुक पे लॉग इन करते हो, तो जो 10 न्यूज फीड हैं वो शो हो रही होती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उसके नीचे व्यू मोर के ऊपर क्लिक करते हो तो 10 और न्यूज फीड्स डेटाबेस से लोड होके आपके पेज पर डिस्प्ले हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह का काम हम अपनी वेबसाइट में भी करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करो कि हमारे डेटाबेस के अंदर एक टेबल है, उस टेबल के अंदर फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड्स ऑफ रोज है, ठीक है। लेकिन वो थाउजेंड ऑफ रोज एक साथ तो आप डिस्प्ले नहीं करवाते ना अपनी वेबसाइट पे, आप थोड़ा थोड़ा करके डेटा रिट्रीव करते हो अपने डेटाबेस से, ठीक है। तो आप करते क्या हो, फॉर एग्जाम्पल आपके डेटाबेस के टेबल के अंदर थाउजेंड रोज है, ठीक है, लेकिन आप टेन टेन करके रिट्रीव करवाना चाह रहे हो, फाइव फाइव करके डेटा रिट्रीव करवाना चाह रहे हो। तो होता क्या है कि जो आप फर्स्ट टाइम टेबल रिट्रीव करवाते हो, सपोज करो कि उसके अंदर 10 रोज आपने अपने डेटाबेस के टेबल से रिट्रीव करवाई, और फिर उन 10 रोज के नीचे एक बटन होता है जिसको हम नाम देते हैं लोड मोर डेटा। उससे क्या होता है, उसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो 10 रोज और फेच होके आ जाती हैं, ठीक है। फिर इसी तरह दोबारा क्लिक करूंगा तो 10 रोज और फेच करके आ जाती हैं, ठीक है, मतलब इसी तरह से 20 रोज हो जाती हैं, 30 रोज हो जाती हैं, 40, 50, इस तरह से आपका मतलब जो डेटा है वो डायनेमिकली, ठीक है, मतलब रन टाइम के ऊपर जब आप वेबसाइट यूज कर रहे होते हो तब आपका डेटा डायनेमिकली लोड होता जाता है, किसके थ्रू, जेक्वेरी एजेक्स के थ्रू, ठीक है। तो इसी को हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, देखो क्योंकि हम सारा काम पीएचपी के थ्रू कर रहे हैं तो मैं सी ड्राइव में, यहाँ पे देखो वैम 64 का फोल्डर है, मैं इसके अंदर आता हूँ, और इसके अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू का फोल्डर है, और यहाँ पे आके मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, फोल्डर बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने फोल्डर का नाम रखता हूँ लोड मोर डेटा, ठीक है, मेरे फोल्डर का नाम है लोड मोर डेटा, ठीक है। इसी के अंदर आके मैं अपनी सारी फाइल स्टोर करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें जेक्वेरी की जो कोर लाइब्रेरी होती है, ठीक है, कोर फाइल होती है, वो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जेक्वेरी की एक फाइल है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके, ये जो हमने अपना फोल्डर बनाया है अभी जिसका नाम हमने रखा है लोड मोर डेटा, ठीक है, इसके अंदर मैं ये जेक्वेरी की फाइल पेस्ट कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं अपने ड्रीमवीवर में, ठीक है, ड्रीमवीवर में मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे आके मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, पीएचपी की फाइल होगी ये, ठीक है। तो कंट्रोल्स एस करते हैं और इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं, ठीक है, और इसको सेव करूंगा मैं, ये जो मैंने अभी फोल्डर बनाया है लोड मोर डेटा के नाम से, इसके अंदर मैं अपनी फाइल सेव करता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ इंडेक्स, ठीक है, सेव करते हैं, सही है। तो अच्छा देखो, अब जो मैं डेटाबेस और टेबल यूज करूंगा इस लेक्चर के अंदर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपने पीएचपी माई एडमिन में, ठीक है, और देखो मेरे पास यहाँ पे एक डेटाबेस है जिसका नाम है प्रैक्टिस, और उसके अंदर एक टेबल है जिसका मैंने नाम क्या रखा हुआ है, टीबीएल। तो आप देखो इसके अंदर अभी टोटल 14 रोज है, ठीक है, वन से लेके 14 रोज है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अभी मेरे पास टेबल छोटा है, तो मैं एक काम करता हूँ कि हम दो दो रोज करके रिट्रीव करते हैं, ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ जब फर्स्ट टाइम मैं अपना ये पेज लोड करूंगा, ठीक है, मतलब जो मैं डेटा गेट करूंगा अपने टेबल से, तब शुरू में दो रोज डिस्प्ले होंगी, फिर उसके बाद जब मैं लोड मोर के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो दो रोज और आ जाएंगी, फिर दोबारा क्लिक करूंगा तो दो रोज और आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से कर करके मैं डेटा रिट्रीव करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास अभी टेबल छोटा है। लेकिन अगर आपके पास टेबल के अंदर बहुत सारी रोज हो तो आप 10-10 रोज करके भी रिट्रीव करवा सकते हो, 20-20 रोज करके भी रिट्रीव करवा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करवा लेता हूँ, मेरे डेटाबेस का नाम है प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करवाता हूँ, और ये पीएचपी की फाइल होगी, ठीक है, और सबसे पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इस फाइल का नाम हम रखेंगे डीबी कॉन, ठीक है, मतलब डीबी कनेक्शन की ये फाइल होगी, ठीक है, और इसके अंदर जितना भी एचटीएमएल का कोड है मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, और पीएचपी का सिंटैक्स हम ओपन कर लेते हैं, ठीक
ठीक है। और सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कनेक्शन का, और यहाँ पे कनेक्शन के लिए हम MySQLi का मेथड यूज करते हैं, MySQLi कनेक्ट। और इसके अंदर पहले आर्गुमेंट में आ जाएगा आपके पास लोकल होस्ट, ठीक है, और फिर दूसरे आर्गुमेंट में आपके पास आ जाएगा रूट जो कि हमारा यूजर है, ठीक है। और फिर उसके बाद पासवर्ड हमने कुछ भी सेट नहीं किया तो 3 को मैं एम्प्टी छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद हमारा जो डेटाबेस है उसका क्या नाम है, प्रैक्टिस, ठीक है, सही है। तो अगर ये चारों चीजें सेट होंगी तो कौन के पास क्या जाएगा, ट्रू जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कंडीशन क्या कहता हूँ, मैं कंडीशन कहता हूँ कि अगर कौन के अंदर ट्रू नहीं है, ठीक है, मतलब अगर वो फॉल्स है तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप मैसेज डिस्प्ले करवा दो, मैसेज डिस्प्ले आप क्या करवा दोगे, कनेक्शन फेल, ठीक है। तो अब इसी फाइल को मैं इंक्लूड करवाता हूं अपने index.php के बिल्कुल टॉप पे, ठीक है। तो php का सिंटैक्स ओपन करते हैं index.php में, और इंक्लूड मेथड की मदद से मैं यहाँ पे इस फाइल को इंक्लूड करवा लेता हूं, जिसका मैंने नाम क्या रखा है अभी, dbcon.php, ठीक है, सही है। तो आप देखो, अब यहाँ पे आके सबसे पहले मैं क्वेरी लिखता हूं, ठीक है, और क्वेरी में मैं कहता हूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, मैंने अपने टेबल का नाम क्या रखा था जिसके अंदर 14 रोज थी, उसका नाम था TBL, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय ID। अब देखो ये ऑर्डर बाय क्या है, ठीक है, मतलब ऑर्डर बाय के थ्रू हम सॉर्टिंग करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो मेरा टेबल है, ठीक है, TBL, इसके अंदर जो आईडी का कॉलम है उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या कर दो, सॉर्टिंग कर दो। और अगर आप नोटिस करो, ये जो आईडी का कॉलम है ये अभी भी आपके पास सॉर्टेड ही है, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपके केस में ये सॉर्टेड ना हो, तो तभी आप यहाँ पे क्या लगाओगे, ऑर्डर बाय आईडी, ठीक है, आईडी के थ्रू आप सॉर्टिंग करोगे। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया, मुझे फर्स्ट टाइम सिर्फ शुरू की 2 रोज फेच करनी है। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये जो आदिल और अख्तर है ना, फर्स्ट टाइम ये लोड होने चाहिए, ठीक है, लेकिन जब मैं लोड मोर पे क्लिक करूंगा तो ये 3rd और 4th रो आ जाए। फिर इसी तरह जब मैं 2 और रो लोड करूंगा तो फर्रुख और फरा आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से 2-2 करके मैं डेटा रिट्रीव करूंगा विदाउट पेज रिलोडिंग, ठीक है ना, क्योंकि हम jQuery Ajax यूज कर रहे हैं, सही है। तो उसके लिए मैं चाह रहा हूं मुझे शुरू की 2 रोज दिखाओ, तो उसके लिए मैं MySQL के अंदर एक कीवर्ड यूज करता हूं जिसको हम कहते हैं लिमिट, ठीक है, एक कीवर्ड है लिमिट, और इसके बाद मैं लिमिट कह देता हूं, मैं कह देता हूं 2। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा टेबल है, ठीक है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो और शुरू की जो 2 रोज हैं वो मुझे रिटर्न करके दो, ठीक है। तो ये क्यूरी ये काम कर रही है। फिर इसके बाद अब मैं अपनी इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं। तो क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं MySQLi क्वेरी, ठीक है, MySQLi क्वेरी, और इसके पहले आर्ग्यूमेंट में हम पास करते हैं कनेक्शन का वेरिएबल कौन, और दूसरे आर्ग्यूमेंट में हम पास करते हैं क्वेरी, ठीक है, चाहिए। तो ये यहाँ पे 2 रोज, मतलब जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, MySQLi क्यूरी जब हमारी क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा तो रन के पास कितनी रोज भेज देगा, 2 रोज भेज देगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूं बॉडी के टैग के अंदर, और देखो सबसे पहले वो जो jQuery की फाइल होती है स्क्रिप्ट फाइल, उसको मैं लिंक करवा लेता हूँ, ठीक है, बॉडी के क्लोजिंग टैग से पहले स्क्रिप्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ jQuery.js, क्योंकि Ajax यूज कर रहे हैं और Ajax का मेथड आपके पास इसी jQuery.js के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे टेबल क्रिएट करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो ये जितना भी डेटा मेरे पास इस टेबल से आएगा वो मैं टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाऊंगा। तो देखो सबसे पहले मैं टेबल का टैग ओपन करता हूँ, ठीक है, और इस टेबल के का मैं एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ जिसको हम कहते हैं बॉर्डर। इसके अंदर मैं बॉर्डर विड्थ दे देता हूँ 1, और इसकी मैं आईडी भी सेट कर देता हूं, ठीक है, और इस टेबल की मैं आईडी कह देता हूं डेटा टेबल, ठीक है, चाहिए, मतलब इस टेबल को मैं आईडी दे रहा हूं, उसका नाम मैंने क्या रख दिया, डेटा टेबल, ठीक है। फिर इसके बाद अब मैं सबसे पहले मैं क्या बनाता हूं, सबसे पहले मैं कॉलम्स बना लेता हूं, ठीक है। तो कॉलम्स के लिए मैंने एक रो बनाई और उसके अंदर मैं यूज कर रहा हूं TH, ठीक है। तो अगर आप नोट करो हमारे इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, जेंडर, ईमेल और एज, मतलब 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इनकी मैं हेडिंग्स बना लूंगा सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ आईडी, ठीक है, फिर उसके बाद इसी को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं, तो 5 दफा मैं इस TH को पेस्ट कर देता हूँ इसी रो के अंदर, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ आईडी, नेम,
ठीक है, उसके बाद है जेंडर, ईमेल और एज, ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर, ठीक है, और फिर यहाँ पे ईमेल, और फिर लास्ट में हम यहाँ पे दे देते हैं एज, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही तरह से मैंने दे दिया है, तो ये तो हो गया हेडिंग, ठीक है। लेकिन अब जो मुझे दो रोज रिटर्न करवानी है, ठीक है, तो वो मैं करवाऊंगा वाइल लूप की मदद से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पीएचपी का साइंटेक्स दोबारा ओपन करता हूँ, क्योंकि वाइल लूप जो होता है वो पीएचपी में यूज करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ वाइल, ठीक है, इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रो, ठीक है, और इसके अंदर मैं डेटा पास करता हूँ यहाँ पे, मतलब मैं एक मेथड यूज कर रहा हूँ MySQLi fetch array, ठीक है, और इसके अंदर पास कर दूंगा मैं रन का वेरिएबल, ठीक है। तो देखो रन का वेरिएबल अभी मैंने ऊपर बनाया, ठीक है, मैंने क्या बताया, जब ये दो, मतलब जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो ये दो रोज रिटर्न करेगी, ठीक है, दो रोज रिटर्न किसको करेगी, रन को। और ये रन का वेरिएबल मैंने कहां पे पास कर दिया, ये रन का वेरिएबल मैंने पास कर दिया MySQLi fetch array। अब देखो MySQLi fetch array क्या करेगा, ये जो हमारा रन का वेरिएबल है उसको एरे में कन्वर्ट करके कहां पे पास करेगा, रो के वेरिएबल में पास करेगा। मतलब देखो रन के वेरिएबल के अंदर फर्स्ट टाइम कौन सी रो आएगी, फर्स्ट टाइम रो आएगी आदिल वाली, ठीक है, और आदिल वाली रो एरे में कन्वर्ट होके कहां पे चली जाएगी, रो के वेरिएबल में चली जाएगी, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आके एको करवाता हूं, ठीक है, और एको के अंदर मैं एक दूसरी रो जनरेट करूंगा, ठीक है। तो रो जनरेट करने के लिए मैं टीआर का टैग यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अब इसके अंदर मैं यहाँ पे टीडी बनाता हूँ, ठीक है, सही है। तो पहला टीडी इसके अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ डॉट डॉट, और मैं कहता हूँ ये जो हमारे पास रो है, ठीक है, इसके जीरो इंडेक्स पे जो भी डेटा है वो पहले टीडी में प्रिंट करवा दूं। तो अब आप देखो ये जो रो है, मैंने क्या बताया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे कौन सी रो आएगी, आदिल वाली रो आएगी, ठीक है, सही है। तो आदिल वाली रो की आईडी क्या है, मतलब जीरो इंडेक्स पे हमारे पास कौन सा कॉलम है आईडी का, तो आदिल की आईडी क्या है, वन, ठीक है, वो यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाएगी। फिर सेम इसी तरह मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चार दफा और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 0, 1, 2, 3 और लास्ट में आ गया आपके पास 4, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट टाइम रो के पास आदिल वाली रो आएगी, तो आदिल की आईडी, आदिल का नेम, आदिल का जेंडर, आदिल का ईमेल और आदिल का एज यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये लूप दोबारा चलेगा, फिर दूसरी रो कौन सी आएगी, अख्तर की, ठीक है, तो वो अख्तर की रो एरे में कन्वर्ट होके रो के पास पास हो जाएगी। फिर इसी तरह अख्तर की आईडी, नेम, जेंडर, वो सारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो मैंने क्या बताया, सिर्फ अभी दो ही रोज रिट्रीव होंगी, ठीक है, लेकिन लास्ट आईडी कौन सी रिट्रीव होगी, 2, ठीक है। तो मैं इस 2 को एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, ठीक है, मैं आप एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ आईडी, और मैं कहता हूँ ये जो रो है, ठीक है, इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ 0, ठीक है। इसका मतलब देखो जब ये लूप आपके पास कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट वैल्यू, मतलब ये जो रो है, ठीक है, जिसको मैंने कॉलम इंडेक्स क्या दिया है 0, इसका मतलब यहाँ पे जो लास्ट आईडी होगी और वो होगी 2, तो वो 2 कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, इस आईडी के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा अगर मैं यहाँ तक आपको रिजल्ट दिखाऊं, मैं आता हूँ और ये मैंने लोकल होस्ट अपना ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, लोकल होस्ट में मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमने अपने फोल्डर का नाम बनाया था लोड मोर डेटा और इसके अंदर हमने अपनी फाइल का नाम रखा था index.php। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, तो देखो अभी आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, देखो सिर्फ दो ही रोज फेच हो रही है, किसमें, टेबलर फॉर्म में। अच्छा मैं चाह रहा हूँ ये टेबल बिल्कुल सेंटर में नजर आना चाहिए, तो ये जो टेबल है, ठीक है, जो टेबल है इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट ओपन करते हैं, ठीक है, उस एट्रीब्यूट का नाम होता है अलाइन, ठीक है, और अलाइन में इसको कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। तो जैसे रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो देखो हमारा ये टेबल बिल्कुल सेंटर में आ गया। अच्छा ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे ये टेबल हमारे पास सेंटर में आ गया। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इसकी लास्ट रो में एक बटन, ठीक है। तो देखो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ड्रीमवीवर में आता हूँ और देखो जो मैं बटन बनाऊंगा वो मैं इस लूप के बाहर बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस लूप के अंदर बनाऊंगा तो हर रो के बाद मुझे बटन डिस्प्ले होगा, तो मैंने हर रो के बाद मुझे बटन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पीएचपी के टैग से बाहर आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं एक रो ओपन करता हूँ, ठीक है, टी आर
एक रो ओपन करता हूं और इसके अंदर मैं एक टीडी पास करता हूं, ठीक है। और इस टीडी के अंदर देखो ये जो रो है ना, इसको सबसे पहले मैं एक आईडी दे देता हूं, ठीक है। और इसको मैं आईडी दे देता हूं रिमूव रो, ठीक है। इसको मैंने आईडी क्यों दी है अभी मैं आपको बताता हूं। तो ये जो टीडी है इसके अंदर मैं एक बटन बना रहा हूं और इसको मैं इनपुट टाइप कह देता हूं बटन। टैप करते हैं तो एक बटन दे देगा हमें, ठीक है। और इस बटन के अंदर मैं यहाँ पे कह देता हूँ लोड मोर, ठीक है। मतलब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो jQuery Ajax की मदद से आपके पास डेटा लोड होता जाएगा टू टू रोज करके, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, अगर अभी यहाँ पे इसको सेव करके आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ये अभी हमारे पास 5 कॉलम्स के नीचे स्ट्रेच नहीं है। तो उसके लिए ये जो TD है यहाँ पे मैं इसको यूज कर देता हूँ कॉल स्पेन 5, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये जो लोड मोर का बटन है, इसका जो कॉलम है, ये 5 कॉलम्स के ऊपर स्ट्रेच हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये बटन लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है, मुझे इसको सेंटर में शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे आके इस TD को भी अलाइन क्या कर दूंगा, अलाइन सेंटर कर दूंगा। अब इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखो बटन बिल्कुल सेंटर में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अब देखो, अब यहाँ पे मैं ये जो मैंने बटन बनाया इसको मैं एक आईडी भी दे देता हूँ, और मैं इसको आईडी दे देता हूँ लोड अंडरस्कोर मोर, ठीक है। और फिर इसके बाद इस बटन के अंदर अब मैं एक एट्रीब्यूट बनाता हूँ, और उस एट्रीब्यूट का नाम मैं यहाँ पे कहता हूँ डेटा आईडी, ठीक है। और इस डेटा आईडी के अंदर पता है क्या स्टोर होगा, ये जो मैंने अभी वेरिएबल बनाया था कौन सा, आईडी वाला, और मैंने क्या बताया था इस आईडी के वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, मतलब जो भी आपके पास लास्ट आईडी रिट्रीव होगी वो आईडी कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, आईडी के वेरिएबल में। इसका मतलब कि जब मैंने यहाँ पे अभी कितनी रोज रिट्रीव करवाई थी 2, तो उसकी हाईएस्ट आईडी क्या हो जाएगी 2, तो वो 2 यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। और अब मैं कह रहा हूँ ये जो डेटा आईडी है ना, इसके अंदर मैं इसी वेरिएबल को एको करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो डेटा आईडी के अंदर मैं यहाँ पे पीएचपी का सिंटैक्स ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं एको करवाता हूँ, और एको करवाता हूँ यही वेरिएबल कौन सा, आईडी वाला, ठीक है। इसका मतलब जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा, ठीक है, तो इसकी डेटा आईडी के अंदर, डेटा आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 2 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। फिर जब मैं दोबारा लोड मोर पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर 4 स्टोर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं 2-2 करके डेटा रिट्रीव करवाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अब मैं jQuery का कोड लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये जो हमारे पास स्क्रिप्ट का टैग है, ठीक है, एक और स्क्रिप्ट का टैग ओपन करता हूँ, और वो जो jQuery का हम बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होगा, ठीक है, रेडी होगा तो एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर मैं एक इवेंट लगा रहा हूँ ऑन का, ठीक है। और मैं कह रहा हूं मैं इस इवेंट को यूज करके कौन सा इवेंट एक्टिव करवाना चाह रहा हूँ, क्लिक का, ठीक है। हमारे पास एक इवेंट होता है क्लिक इवेंट, और मैं कह रहा हूँ ये क्लिक इवेंट कब चलेगा हमारे डॉक्यूमेंट में, जब इस लोड मोर के बटन पे क्लिक होगा। तो लोड मोर के बटन को मैंने आईडी क्या दी है, लोड अंडरस्कोर मोर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले हैश पास करता हूँ और फिर लोड मोर दे देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जब इस लोड मोर बटन के ऊपर क्लिक होगा तो एक फंक्शन चलेगा। तो देखो थर्ड आर्ग्यूमेंट में मैं एक फंक्शन क्या देता हूँ, ठीक है, और इसकी बॉडी ओपन कर लेता हूँ। और ये जो हमारा क्लिक इवेंट है, ठीक है, ये जो हमारा क्लिक इवेंट है, ये एज अ आर्ग्यूमेंट स्टोर हो जाएगा इस फंक्शन के एक पैरामीटर के अंदर, जिसका मैं नाम क्या रख रहा हूँ, इवेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, देखो हम उस तरह से भी तो करते थे ना कि लोड मोर बटन को कॉल करते थे और फिर इसी के साथ डॉट करके उसका क्लिक इवेंट जनरेट कर लेते थे, लेकिन वो हमारे इस केस में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जो आपने क्लिक इवेंट जनरेट करवाना है लोड मोर के ऊपर, वो आपने इसी तरह से करवाना है, क्योंकि अगर आप वो जो दूसरा तरीका जो हम पहले करते आए हैं, कौन सा, लोड मोर डॉट क्लिक और फिर उसके अंदर फंक्शन पास करते थे, वो हमारे इस केस में काम नहीं करेगा, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या बताया था, जब इस बटन के ऊपर वो क्लिक करेगा तो डेटा आईडी के एट्रीब्यूट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे 2
टू वैल्यू स्टोर हो जाएगी फर्स्ट टाइम, तो मुझे इस डेटा आईडी के अंदर ये जो भी वैल्यू है उसको गेट करना है। तो मैं गेट कैसे करूंगा, देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ आईडी, और मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पे ये जो मेरे पास बटन है ठीक है, और इस बटन को आईडी मैंने क्या दी थी, लोड मोर, लोड अंडरस्कोर मोर। तो मैं कह रहा हूं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट गेट करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जेक्वेरी का, ATTR, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है एट्रीब्यूट का, और इसके अंदर मैं वो एट्रीब्यूट पास कर देता हूँ। कौन सा एट्रीब्यूट, डेटा डैश आईडी। तो डेटा डैश आईडी मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ, मतलब आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो भी इसके अंदर आईडी है ठीक है, वो आप उसकी वैल्यू कहां पे स्टोर करवा दो, आईडी के वेरिएबल में। इसका मतलब कि यहां पे अब क्या होगा कि यहां पे जो टू आईडी स्टोर हो रही है वो टू आईडी में कहां पे स्टोर करवा रहा हूं, इस आईडी के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूं, ठीक है बेटा। अच्छा फिर इसके बाद अब मैं यहां पे आता हूं और एजेक्स का मेथड स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं कहता हूं $.ajax, ठीक है, और इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं। और अब सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि ये रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी, मैं कह रहा हूं मैं एक पेज बनाऊंगा अभी जिसका नाम होगा load.php, रिक्वेस्ट इस पेज के ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर यहां पे कॉमा लगाते हैं और फिर उसके बाद टाइप बताते हैं कि भाई हम कौन सी रिक्वेस्ट यूज करेंगे, गेट रिक्वेस्ट यूज करेंगे या पोस्ट रिक्वेस्ट। मैं यहां पे कह देता हूं पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। और फिर load.php के ऊपर आप डेटा कौन सा पास करवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डेटा का ऑप्शन यूज करता हूँ, ठीक है, कोलन और फिर कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं। और देखो load.php पे जब रिक्वेस्ट जाएगी तो वो डेटा अपने साथ क्या लेके जाएगा, ये जो आईडी है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ, की बनाता हूँ आईडी, और इसी के अंदर यही वेरिएबल जिसका नाम मैंने आईडी रखा था वो मैं इसके अंदर क्या करवा देता हूँ, स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ पे आता हूं, फिर हम यूज करते हैं सक्सेस का इवेंट, ठीक है। और सक्सेस के इवेंट में हम एक फंक्शन पास करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था कि जब भी हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली चली जाएगी क्लाइंट से सर्वर के पास, मतलब load.php के पास, और load.php जो भी हमें रिस्पॉन्ड भेजेगा वो ये सक्सेस फंक्शन गेट करेगा, और सक्सेस फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर बनाते हैं जिसका नाम है रिस्पॉन्स, ठीक है। इसका मतलब कि load.php हमें जो भी रिस्पॉन्स भेजेगा वो मैं कहां पे स्टोर करवा लूंगा, अपने इस सक्सेस फंक्शन के पैरामीटर रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। अच्छा फिर आपको याद होगा अभी मैंने ये जो एक रो बनाई थी, ठीक है, उसको मैंने आईडी क्या दी थी, रिमूव रो, ठीक है। तो इस रो को मुझे रिमूव करवाना है, ठीक है, सही। देखो मैं यहां पे कहता हूं हैश और इसकी आईडी पास कर देता हूं रिमूव रो, ठीक है। और यहां पे आके हम jQuery का एक फंक्शन यूज करते हैं रिमूव का, तो इससे क्या होगा, देखो इससे ये होगा कि जब मेरी रिक्वेस्ट जाएगी load.php के ऊपर, तो जब रिस्पॉन्स वापस आएगा और ये सक्सेस का फंक्शन चलेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो मेरे पास रो है ना, ये जो मेरे पास रो है जिसके अंदर मैंने बटन बनाया हुआ है, और उस बटन के अंदर आईडी क्या स्टोर हो रही है, टू, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी रो आपके पास क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये रिमूव करवाने से होगा क्या, अभी ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिर मैं उसके बाद कह रहा हूं जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, अब देखो रिस्पॉन्स में पता है क्या आएगा, रिस्पॉन्स में रोज आएंगी, और वो रोज मैं कहां पे डिस्प्ले करवाऊंगा, अपने टेबल के अंदर, और वो जो टेबल है उसको मैंने आईडी क्या दी थी, उसको मैंने आईडी दी थी डेटा टेबल। तो देखो मैं इसको कॉपी करता हूं, इस आईडी को मैं नीचे आता हूं, और मैं कह रहा हूं वो जितनी भी रोज रिस्पॉन्स में आ रही है, मैंने क्या बताया, फर्स्ट टाइम दो रोज प्रिंट होंगी, फिर उसके बाद जब मैं लोड मोर पे क्लिक करूंगा तो दो रोज और आएंगी। तो वो जो दो रोज आपके पास और आएंगी वो कौन से वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगी, पैरामीटर में, रिस्पॉन्स में। तो अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, देखना मैं कहता हूँ ये जो मेरे पास टेबल है जिसका मैंने नाम क्या रखा है, डेटा टेबल, ठीक है, उसके अंदर आप अपेंड क्या कर दो, उसके अंदर आप अपेंड कर दो ये रिस्पॉन्स, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, फर्स्ट टाइम दो रोज डिस्प्ले होंगी, ठीक है, लेकिन जब मैं लोड मोर पे क्लिक करूंगा और वो load.php पे जाएगा तो दो रोज और लेकर आएगा, और वो दो रोज कहां पे स्टोर हो जाएंगी, रिस्पॉन्स में, ठीक है। और ये जो दो रोज और आई हैं वो मैं दोबारा अपेंड करवा दूंगा डेटा टेबल के अंदर, क्योंकि भाई देखो ये जो हमारा टेबल है उसके अंदर पहले दो रोज शो रही है, लेकिन जो दो रोज और आएंगी वो मैं इसी टेबल के अंदर अपेंड करवा दूंगा,
अपेंड का मतलब पहले दो रोज थी और जो दो रोज आ रही हैं वो मैं दोबारा इस डेटा टेबल के अंदर जोड़ दूंगा, ठीक है। इस तरह का मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे काम करना है किसके ऊपर, load.php के ऊपर, ठीक है।